एक मिनट बात सुनो मेरी। सत्यन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। सुनो, देखो बहुत दिन हो गए हमारे दरमियान, बहुत डिफरेंसेस पैदा हो गए, हमें बात करनी चाहिए, प्लीज टॉक टू मी। आई डोंट वांट टू टॉक मरियम। सत्यन, आई एम रियली सॉरी, जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ, मैं माफी मांगता हूँ, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत ही स्टूपिड मेरा गुस्सा था, आई एम रियली सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जिस रिश्ते में आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उस रिश्ते का भी कोई फायदा नहीं। प्लीज ऐसा मत कहो मरियम, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, गुस्सा था, अब उतर गया। क्या मतलब है इस बात का सिप्टेन? गुस्सा था, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, कल को खुदा न खास्ता आपको ज्यादा गुस्सा आएगा तो? ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आई प्रॉमिस कभी ऐसा नहीं होगा दोबारा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी आपने गुस्से में रिएक्ट किया ही ना हो। लास्ट चांस प्लीज, आखिरी मौका, वादा करता हूं दोबारा गुस्सा नहीं करूंगा। सिप्टेन आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी आपने वादा खिलाफी की ही नहीं। आप जानते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आपको सबसे ज्यादा फिक्र उसकी रिस्पेक्ट की होती है, और जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करते जो आपने मेरे साथ किए। ये है आपका प्यार कि आपने मुझे मेरी सफाई पेश करने का एक मौका तक नहीं दिया। ठीक कह रही हो तुम, मरियम मेरी जान, तुम मुझे तो जानती हो ना, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। आई एडमिट, मैं मानता हूं कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ, कभी दोबारा नहीं होगा मरियम, प्लीज माफ कर दो यार। और आपको ये लगता है कि गुस्से में बीवी को थप्पड़ मारना एक नॉर्मल सी बात है? नहीं मरियम, बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप तेन ने मेरा भरोसा तोड़ा है, और मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसी वजह से वापस आई हूँ क्योंकि मैं अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। ये चाहती थी जिस तरह मेरा भरोसा टूटे वैसे ही उनका भी भरोसा टूटे। बहुत मान रखते हैं वो आप लोगों का, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपका ये रूप भी है से मुझे हुआ है। लेकिन क्या करूं, दुनिया के सामने अपने रिश्ते का तमाशा बनते नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वापस आ गए। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ।